डियर स्टूडेंट्स, आज आप चैप्टर नंबर 2 के आंसर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ओल्ड मैन नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। क्वेश्चन ये है, जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, उसने डॉक्टर की बातों पर अमल क्यों ना किया, एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। आंसर, जो बूढ़ा आदमी है वो तवाना और चुस्त था। द ओल्ड मैन वाज एन एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन, मजबूत था और एनर्जेटिक था। उसको यकीन था मेहनत पर। अगर हम पूरी कहानी पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ इस बात का पता चलता है कि सारी क्वालिटीज अपनी जगह, लेकिन उसकी एक क्वालिटी थी कि वो यकीन रखता था मेहनत पर। और पॉसिबल है इसी बात को राइटर हमें टीच करना चाहता है, लेसन डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन आवर लाइफ। ही बिलीव इन हार्ड वर्क, वो यकीन रखता था कि इस हार्ड वर्क मेहनत पर एंड डिग्निटी ऑफ लेबर और मेहनत की अजमत पर। डिग्निटी अजमत, लेबर मेहनत की, वो मेहनत की अजमत पर यकीन रखता था। ही डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर बिकॉज ही हैड टू रेज द फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन। ही डिड नॉट फॉलो, उसने अमल ना किया, उसने पैरवी ना की डॉक्टर्स की। क्यों? बिकॉज उसको पालना था। ही हैड टू रेज द फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे थे, 5 अफराद का कुंबा था, खानदान था। उसको पालने के लिए उसने क्या किया? डॉक्टर की नसीहत पर अमल ना किया। डॉक्टर ने क्या कहा था? क्या आपका दिल कमजोर है? आप मेहनत ना करें, आप जल्दी मर जाए। सो मोर ओवर, मजीद ही थॉट, वो ख्याल करता है, मोर ओवर मजीद ही थॉट, वो ख्याल करता है, इफ ही लेफ्ट एवरी टाइम ऑफ वर्क, अगर उसने हर किस्म का काम छोड़ दिया, कंडीशनल सेंटेंस के सेकेंड टाइम, हर किस्म का काम छोड़ दिया, ही वुड बिकम लेजी, वो सुस्त हो जाएगा, एंड डाई सून, और जल्दी मर जाएगा, एंड डाई इन नो टाइम, और बहुत जल्द अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ठीक है, जब इंसान मेहनत करता है, एक्टिव रहता है, अपने आप को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के अंदर जो है एंगेज रखता है, तो वो स्ट्रांग होता है स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली। अब बूढ़ा आदमी है, वो इस बात पर बिलीव नहीं करता। किस बात पर? इस काम के काम के पर, कि वो लेजी हो जाएगा और अगर वो काम छोड़े, अगर वो काम छोड़ेगा, वो लेजी हो जाएगा और जल्दी मर जाएगा। What had the doctor told the old man? जो डॉक्टर हैं वो बूढ़े आदमी को क्या बताते हैं कि आप क्या करें? The doctor told the old man that he had a weak heart. वो बताते हैं old man को that he had a weak heart, कि तुम्हारा दिल कमजोर है। If he continued to work hard, अगर वो मेहनत करेगा, He would die soon, वो बहुत जल्द मर जाएगा। अगर उसने मेहनत करना जारी रखी, वो बहुत जल्द मर जाएगा। The doctor had been advising him so for 40 years. और डॉक्टर ये बात उसको 40 साल से बता रहे हैं। कौन सी बात? नंबर 1, कि आपका जो हार्ट है वो वीक है। नंबर 2, कि अगर आप मेहनत करना जारी रखेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या वो जल्द मर जाएंगे?
डॉक्टर कब से नसीहत करें, डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हिम सो फॉर 40 ईयर। डॉक्टर पिछले 40 साल से उसको बार बार यही बात कर रहे थे कि काम करना छोड़ दें, टेक लाइफ इजी, जिंदगी पर सुकून गुजारे। बट ओल्ड मैन बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन। जो बूढ़ा आदमी है वो अपने बेटे को कहां ले जाता है। द ओल्ड मैन टेक हिज सन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। जो बूढ़ा आदमी है वो अपने बेटे को पहाड़ की चोटी पर ले जाता है, टॉप ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। वहां क्या था, ही हैड क्लियर अ पीस ऑफ लैंड देयर। वहां पर उसने जमीन का टुकड़ा साफ किया हुआ था। ही फेंस्ड इट, उसने इसको बाड़ लगाई एंड ग्रीव मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स देयर। और वहां पर बहुत किस्म की जो वेजिटेबल्स हैं उनको उसने उगाया था। क्वेश्चन नंबर 4, हैड सन बीन देयर बिफोर। क्या जो बेटा है वो पहले पहाड़ की चोटी पर गया था या नहीं, ये क्वेश्चन है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो जितना उसका बाप हो, यानी बाप जितना मेहनती है उतना बेटा नहीं है। और ये अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये बात जनरेशन टू जनरेशन जा रही है, नस्ल से नस्ल दर नस्ल जा रही है। मीन अगर हम कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने फादर के साथ, या हम उनकी मेहनत को देखते हैं पता चलता है वो ज़्यादा मेहनती थे एज कंपेयर, हमारे नस्बत वो ज़्यादा मेहनती थे। अगर हम कंपेयर करते हैं अपने दादा अबू को अपने बाप के साथ, हमारे दादा अबू ज़्यादा मेहनती थे। तो जो बेटा है वो अपने बाप की तरह मेहनती नहीं था। अब यहाँ पे एक यूज भी है, सो एज अ यूज और एज एज अ यूज नहीं करवाते उसके बाद ग्रामेटिकल। द सन वाज नॉट सो हार्ड वर्क एज द ओल्ड मैन। जो बेटा है वो अपने बाप की तरह बूढ़े आदमी की तरह मेहनती नहीं था। ही हैड बीन मेनी टाइम्स देयर। ही हैड बीन, वो आ चुका था कहां पे, पहाड़ की चोटी पर। मैनी टाइम्स बड़ी मर्तबा, ठीक है, लेकिन पिछले 3 साल से वहां नहीं गया था। बट ही डिड नॉट गो देयर फॉर लास्ट 3 ईयर। जो बेटा है वो बाप की तरह मेहनती नहीं था। द सन वॉज नॉट सो हार्ड वर्किंग एज द ओल्ड मैन। वो कई दफा जा चुका था पहाड़ की चोटी पर सिवाय पिछले 3 साल के। ही हैड बीन देयर मैनी टाइम्स बट ही डिड नॉट गो देयर फॉर लास्ट 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ वेजिटेबल दैट ओल्ड मैन ग्रू ऑन हिज फार्म। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वेजिटेबल्स, उन सब्जियों के नाम क्या थे जिनको बूढ़े आदमी ने अपने फार्म पर अपने खेतों में उगाया था। बूढ़ा आदमी मेहनती था, द ओल्ड मैन वाज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। उसने आलू, टमाटर, शकरकंदी और कद्दू वहां पर उगाए थे। ही ग्रू टमाटोज, स्टार्चोज, जॉन्स एंड पंपकिंस देयर। अब उसका वो फार्म कहां पे था, हिज फार्म वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ। जो बूढ़ा आदमी उस ढलवानी रास्ता, मुश्किल रास्ता क्यों लेता है, इसके पीछे कोई रीजन थी, रीजन क्या है, लेट्स सी द आंसर। ओल्ड मैन वाज फॉन्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। जो बूढ़ा आदमी है वो शौकीन था मेहनत का, मेहनत करने का शौकीन था।
वो अपने आप को फिट रखना चाहता था. He wanted to keep his health in order. वो अपनी सेहत को फिट रखना चाहता था. He wanted to keep his health in order. उसने ढलवानी रास्ता लिया. He took the steep path. अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को चेक करने के लिए, to test his strength, he took steep path. To test his strength, अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए. वो ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि वो कमजोर आदमी है. He did not want to admit that he was a weak person. He did not want to admit. ये थे जो हमारे सिक्स क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर जो सेवन है, Why did old man, why did son cry at the age of six? जब वो बेटे की उम्र छह साल थी तो वो क्यों रोया? अब जब वो बेटा छह साल का था तो उसके बाप ने उसको एक हल बना कर दिया, लकड़ी का हल बना के दिया. जब बेटा खेल रहा था तो वो हल गुम हो गया. जब हल गुम हुआ तो उसने रोना शुरू कर दिया. तो उसके बाप ने उसको नया हल बना दिया. When बेटा वाज था सिक्स ईयर ओल्ड, छह साल, जब बेटा छह साल का था, उसके बाप ने, यानी जिसको हम पूरी कहानी बूढ़ा आदमी पढ़ते हैं, वो बेसिकली उसका फादर है. His father made him a wooden plow, जो उसका वुडन लकड़ी का प्लो हल, जो उसका बाप है उसने उसको लकड़ी का हल बना दिया. द सन लॉस्ट इट, जो बेटा है उसने इस हल को गुम कर दिया. कब? वाइल्ड प्लेइंग, खेलते हुए. जो बेटा है उसने खेलते हुए इस हल को गुम कर दिया. द सन क्राइड एंड वेप्ट एट हिज लॉस. बेटा रोया, चिल्लाया इस नुकसान पर. He did not forget his wooden plow in the later year of his life. अपनी आने वाली जिंदगी में वो कभी अपनी लकड़ी का हल जो उसको भूल ना पाया. He did not forget his wooden plow in the later year of his life. Question number 8 है, What was the feeling of the old man at the age of 70? जब बूढ़ा आदमी 70 साल का था तो उसके एहसास, फीलिंग्स क्या थे? At the age of 70, the old man thought that he had completed his age. बूढ़ा आदमी 70 साल उम्र में ख्याल करता था कि अब मेरी उम्र मुकम्मल हो गई, अब मैं किसी वक्त नहीं मर सकता हूं. So he wanted to visit the places he had seen and loved. So therefore he wanted to visit the places which he had seen and loved. तो उसकी फीलिंग क्या थी? कि I had completed my age on the earth. Now my time is bonus, my time is extra, so I can die anytime. मैं किसी वक्त भी मर सकता हूँ. इसकी फीलिंग थे एट द एज ऑफ 70, जब वो अपने बेटे को अपनी कहानी सुना रहा था. उस कहानी को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है. क्वेश्चन नंबर 9 है, Why had old man planted his secret garden? जो बूढ़ा आदमी है वो अपनी सीक्रेट गार्डन को क्यों जो है उसने सीक्रेट प्लांट किया? उसकी तीन दो वजूहत. पहली वजह ये थी कि बूढ़े आदमी का ख्याल था कि हर वो चीज जो नई जमीन पर उगाया जाए उसका बेहतर फ्लेवर होता है, यानी उसका जायका दूसरों से डिफरेंट होता है. एक उसकी ये सोच थी. और फिर एक ये बात भी थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि आप का जो दिल है
वो कमजोर है, वीक हार्ट है आप, और आप जल्दी मर जाएंगे, उसके फैमिली पर्सन जो है वो उसको इजाजत नहीं दे रहे थे कि वो ये बात तमीज करे। ये वजू हाथ थी उसकी। तो ये हमारे चैप्टर पर के क्वेश्चन आंसर थे। अल्लाह ताला का हमद ना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड सन क्राई एट एज ऑफ 6? जो बेटा है वो क्यों चिल्लाया 6 साल की उम्र में? व्हेन द सन वाज 6 ईयर ओल्ड, जब बेटे की उम्र जो है वो 6 साल थी, हिज फादर मेड हिम अ वुडन क्लॉथ, जो उसका बाप है, जिसका पूरी कहानी बूढ़ा आदमी पढ़ते हैं, उसने अपने बेटे की लकड़ी का वुडन लकड़ी का बना हुआ हल दिया। जब बेटा खेल रहा था वो गुम हो गया। द सन लॉस्ट इट वाइल प्लेइंग, वो रोया और चिल्लाया इस नुकसान पर। द सन क्राइड एंड वेप्ट एज हिज लॉस, वो अपनी बाकी जिंदगी में कभी भी इस लकड़ी के हाल को नहीं भूला था। He did not forget his wooden floor in the later year of his life. Question number 8 है, What was the feeling of the old man at the age of 70? जब बूढ़े आदमी की उम्र 70 साल हुई तो उसकी फीलिंग्स क्या थी? At the age of 70, the old man thought that he had completed his age, his life on the earth. जब बूढ़े आदमी की उम्र 70 साल हुई, उसको महसूस हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की जो ड्यूरेशन है, जो अरसा है, वो जमीन पर मुकम्मल कर दिया। He wanted to visit the places which he had seen and loved. वो उन places को विजिट करना चाहता था जिनको वो देख चुका था, जिनसे उनको प्यार था। यही वजह है, ये उसकी फीलिंग्स थे, और वो ख्याल करता था कि अब मेरा दुनिया पर जो है वक्त, जमीन पर जो मेरा वक्त है मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ। तो इसके जो है फीलिंग्स थे ये सेवेंटी। Why had old man planted his secret garden? The old man had planted his secret garden because the doctor and the member of his family did not allow him to plant it openly. अब क्योंकि वो वीक उसका हार्ट था, डॉक्टर्स को 40 साल से मना कर रहे थे कि आपने काम नहीं करना, तो वो सीक्रेट अपनी फैमिली से उसको अलाउ नहीं दे कर रही थी, लिहाजा वो सीक्रेट गार्डन लाके बनाता है। एक उसका ख्याल और भी था कि हर वो चीज जो नई जमीन पर उगाई जाए उसका फ्लेवर अच्छा होता है। मोर ओवर ही थॉट दैट एनीथिंग व्हिच इज प्लांटेड ऑन द न्यू ग्राउंड हैज अ रेयर फ्लेवर एंड टेस्ट। ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के अलग अलग नाम।